हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो भूलने के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स क्या हैं, यानी कि वो साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है जिनकी वजह से हम कोई चीज़ भूल जाते हैं और वो कोई चीज़ हमारे दिमाग से उतर जाती है। उसके क्या क्या रीज़न है साइकोलॉजिकली, हम उसको समझेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आगे जो वीडियो आने वाली है आपसे न छूटे। और वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों में। यह सब्सक्राइब और लाइक करने से एक छोटा सा बस आपको क्लिक करना है, उसके लिए आपका क्या चला जाएगा। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो भूलने का एक सबसे बड़ा रीज़न है हमारे दिमाग या हमारे ब्रेन में कोई डैमेज हो जाना, यानी कि हमें कोई डिजीज़ हो जाना, कोई बीमारी हो गई या कोई हमारे दिमाग में चोट लग गई। डिजीज़ की अगर हम बात करें तो एक एमनेजिया नाम का एक डिजीज़ है जिससे हमें भूलने की बीमारी होती है। ये एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिससे भूलने की बीमारी होती है। हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जो हमें भूलने में हेल्प करता है। हेल्प इन द सेंस, हमको कोई चीज़ भूल जाती है। क्यों भूल जाती है, हम उसको बात करते हैं। दोस्तों, पहला होता है एक्टिवेटेड फॉरगेटिंग। एक्टिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब कि हमारा जो ब्रेन है वो ऐसा डिज़ाइंड हुआ है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बीती हुई है आपके साथ जिसमें बहुत ज़्यादा इमोशनल है, जिसमें बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए थे, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, वो ब्रेन क्या करता है, उस सिचुएशन को कहता है कि आप उस सिचुएशन को भूल जाओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ब्रेन हमें ये सिग्नल देता है कि उस सिचुएशन को भूल जाना चाहिए। हम जानबूझ के उस सिचुएशन को भूल जाते हैं जो हमारे लिए कष्टदायी होता है, जो इमोशनल होता है, जिससे हमें याद करने से हर्ट होता है। दूसरा जो रीज़न है भूलने का वो है इंटरफ्रेंस, यानी कि हमने कोई चीज़ पहले याद रखी है और उसी से मिलता जुलता हमने बाद में याद किया, तो वो दोनों चीज़ें जाके मिक्स हो जाती हैं एक दूसरे से, तक और बाद में क्या होता है, हम रिकॉल करने में हमें प्रॉब्लम होती है। या हो सकता है कि हमने जो अभी याद कर रहे हैं और जो पहले का याद किया हुआ है वो आपस में इंटरचेंज हो जाता है, इंटरफ्रेंस हो जाता है, यानी कि बाधा हो जाता है दोनों में याद करने में। अगला जो भूलने का रीज़न है वो है स्टेट डिपेंडिंग। स्टेट डिपेंडिंग मतलब हमने वो चीज़ किस स्टेट में, यानी कि किस सिचुएशन में याद की है। कभी कभी क्या होता है कि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं उसी सिचुएशन में हमारे उससे रिलेटेड वो चीज़ें याद आती हैं और उस सिचुएशन से हटते ही वो चीज़ें हमें भूल जाती हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं कोई भी, तो जस्ट एग्ज़ाम के 15 मिनट पहले हमें कुछ याद नहीं होता, हमारा दिमाग एकदम शांत रहता है, एकदम ब्लैंक रहता है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, हर एक चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट हमें याद आती चली जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि उस स्टेट में जाते ही, उस सिचुएशन में जाते ही हमारे साथ सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, और उस सिचुएशन या उस मेंटल स्टेट से हटते ही, उस सिचुएशन से हटते ही वो चीज़ भूल जाता है। अगला जो रीज़न है, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को भूलने का, वो ये है कि कॉन्टेक्स्ट और क्यूज़, यानी कि वो परिस्थिति क्या है, वो कॉन्टेक्स्ट, वो इन्वायरमेंट क्या है, और क्यूज़ यानी कि वो संकेत क्या है। यानी कि अगर हमने कोई चीज़ याद कर रखी है और उससे रिलेटेड कोई चीज़ हमारे सामने आ गई, जैसे हमने दो वर्ड याद किए हैं एक साथ, और अगर एक वर्ड हमको दिखा के दूसरा वर्ड पूछा जाए क्या था, तो हम आसानी से बता देंगे, यानी कि इसके कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ें क्या थी। जैसे अगर आपको किसी जगह के बारे में पूछा जाए तो आप उस जगह का कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताएंगे कि उस जगह के एरिया क्या था, इन्वायरमेंट क्या था, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का जो एटमॉस्फियर था, कॉन्टेक्स्ट था, बैकग्राउंड था, वो क्या था। यानी कि बैकग्राउंड हमें बहुत हेल्प करता है किसी भी चीज़ को याद करने में। हमने कोई चीज़ याद रखी है, यानी कि उसका बैकग्राउंड अगर हमें याद हो जाए तो वो चीज़ हमें आसानी से याद हो सकती है, हम उसको मेमोरी में वापस ला सकते हैं। उसके बाद उसमें जो है क्यूज़, क्यूज़ होता है एक तरह का संकेत, यानी कि एक तरह का हम कह लें एक तरह का हिंट होता है।
हम कोई चीज़ जब याद करते हैं तो उसको हम एक कोड के रूप में अपने दिमाग अपने मेमोरी में स्टोर करते हैं, और जब वो कोड वो क्यूज़ वो संकेत हमारे दिमाग से मिट जाते हैं, यानी कि हम जब उस कोड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो हम उन चीज़ों का रिकॉल नहीं कर पाते हैं, हमें वो चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं। और जैसे ही कोई क्यूज़ कोई संकेत कोई कोड हम उससे मिलता जुलता जब हम उसको पा लेते हैं तो उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक के बाद एक आती जाती है। तो दोस्तों ये सारे रीज़न थे भूलने के, साइकोलॉजिकल रीज़न थे भूलने के। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और ऐसे ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स को देखते रहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में।